ये मुझे लेके जा रहे हैं वियतनाम का जो वॉर म्यूज़ियम है। आँखों में आंसू ज़रूर आ जाएंगे क्योंकि कहानियाँ ही कुछ दिल दहलाने वाली है। Are you a YouTuber? Yes. My name is Neil. From India. India? Yes. I have been there in New Delhi. Very nice to meet you. ये बस हमें सिटी सेंटर डिस्ट्रिक्ट वन लेके जाएगी। आ चुके हैं हाइड आउट होटल है मेन रोड पे है डिस्ट्रिक्ट वन हो ची मिन सिटी। थोड़ा कंफ्यूजन था क्योंकि मेरे जो दोस्त हैं उन लोगों ने दूसरा होटल बुक किया था और वो हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया। बहुत डंजन टाइप का था ये हॉस्टल। हम कल कैंसिल कर चुके थे और हमने सुबह इनको फ़ोन किया, मतलब मैंने फ़ोन किया और इनको पूछा कि क्या आप हमारा कैंसिल कर सकते हैं, क्या हम यहाँ रह सकते हैं। तो उन लोगों ने बड़े प्यार से कहा जी बिल्कुल, अभी 24 घंटे नहीं हुए हैं तो आप आ जाइए और आप जो बाकी पैसे हैं वो दे दीजिए और आराम से इत्मीनान से यहीं पे रहिए। ये बहुत अच्छी जगह है, मतलब एयर है, फ्रेश है, बहुत बड़ा है। तो आई होप कि रूम्स भी अच्छे ही होंगे क्योंकि हॉस्टल बोर्ड में मैंने पहले ही सब कुछ चेक कर लिया था। तो चेक इन का प्रोसीजर अभी कम्प्लीट करना है, उसके बाद नहा धो के मैं निकलूँगा। मुझे काफ़ी कुछ कवर करना है और मेरे पास सिर्फ 2.5 दिन है। ये हॉस्टल सो ये है हमारा हॉस्टल और मैं जा रहा हूँ अपने डॉर्म की तरफ। पिछले हॉस्टल से बहुत बेटर है, कॉमन शावर है और कॉमन टॉयलेट है, मगर मैंने पहले भी किया है तो ठीक है, सफाई चल रही है। ये है हमारा डॉर्म, ये मेरा बेड नीचे का और ये है लॉकर्स सामान रखने के लिए। इस रूम में आई थिंक 12 लोग रह सकते हैं। ये है वॉशिंग एरिया और ये दूसरा डॉर्म। ओके, मैं अपनी सफाई कर लेता हूँ जल्दी से। तो जिस हॉस्टल पे हम रुके हुए हैं वहाँ पे एक लड़की मिली मुझे जो स्कॉटलैंड से है, यहाँ पे वॉलंटियर का काम करती है और उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया। तो ये जो दो डॉक्यूमेंट्स मुझे दिए गए हैं सिटी टूर के लिए कि क्या क्या फेमस जगह है हो ची मिन्ह, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है। आई थिंक ये मुझे सब अकेले करना पड़ेगा क्योंकि मेरे दोस्त जो हैं उनका कुछ अलग प्लान है। तो एनीवे मुझे अकेले ही करना था ये, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय गुजारना चाहता हूँ सिटी में और कुछ ही जंगल का टूर करना है, मेकॉन्ग डेल्टा करना है, मगर वो शायद मैं बाद में करूँगा। आज जो है आई थिंक 5-6 चीज़ें जो नॉर्मल है वो मुझे देखना है। और अभी फ़िलहाल मैं एक यहाँ पे एक लोकल का रेस्टोरेंट है कॉर्नर पे है, बहुत अच्छा है, मुझे रेकमेंड किया है इन लोगों ने, तो ये मैंने ऑर्डर किया है अपने लिए। बामी जो हमने सापा में भी खाया, हनोई में भी खाया और ये बीफ सूप है। आई डोंट नो कैसा होगा टेस्ट, आई होप कि स्पाइसी हो क्योंकि तीखा खाना मैं काफ़ी मिस कर रहा हूँ। सिर्फ यहाँ पे चिलीज देते हैं तीखे के नाम पे, अदरवाइज विनेगर वगैरह यूज़ करते हैं, लाइम यूज़ करते हैं काफ़ी। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पे जो भी खाना दिया जाता है उसके साथ ये ऐसा कुछ सैलड सर्व करते हैं। तो कल भी जो हमने खाना खाया था उसके साथ भी ये सैलड था होयान में और आज भी यहीं पर है।
हॉस्टल के फैसिलिटीज़ बहुत बेसिक्स हैं. म्यांमार में मैं जो हॉस्टल में था वो बहुत बेहतरीन है और कम प्राइस में. मगर फ़िलहाल टाइम कम है, काम बहुत कुछ करना है यहाँ पे, मतलब घूमना है, तो उसके हिसाब से आई थिंक बिल्कुल सही है. बाकी देखते हैं बाकी का दिन कैसा गुजरता है. अभी मुझे खाना फिनिश करना है क्विकली और निकलना है. आई थिंक हॉस्टल पहुँचते पहुँचते रात के 10 बज जाएंगे. उसके बाद दिन का कुछ हैप्पी आ रहा है, ऊपर कुछ पार्टी का सीन बन रहा है, उस लड़की ने मुझे इनवाइट किया है, सो लेट्स सी कैसा जाता है. सो खाना मेरा हो चुका है और इस वक्त मैंने ये ग्रैब बुलाया है. ये जो भाई साहब है ये मुझे लेके जा रहे हैं वियतनाम का जो वॉर म्यूज़ियम है, बहुत बड़ा म्यूज़ियम है, तो वो मैं देखने जा रहा हूँ. हॉस्टल वालों ने जहाँ मैं रुका हुआ हूँ उन लोगों ने बहुत हाईली रेकमेंड किया है, तो मैं काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ हिस्ट्री में, तो इसलिए लेट्स सी कि कैसा है ये वॉर म्यूज़ियम. तो ये ग्रैब जो ऐप है ये बिल्कुल हमारे ऊबर की तरह है. आप अपने फ़ोन पर इस ऐप को डाउनलोड करके टैक्सी या फिर ऐसा बाइक बुला सकते हैं. मैंने बाइक इसलिए बुलाया है कि मुझे जल्दी से जल्दी जाना है और सस्ता भी है. करीब 15,000 डोंग मुझे पे करना हो रहा है. बहुत चहल पहल है यहाँ पे, काफ़ी ट्रैफिक जाम लगता है. इनफैक्ट जब हम एयरपोर्ट से आ रहे थे हमें 1 घंटे से ऊपर लग गया, जबकि हमें कहा गया था कि मैक्सिमम 40-45 मिनट लगेंगे. और ये भाई साहब जो हैं ये कमाल का चलाते हैं, ये स्कूटर कहीं से भी निकाल रहे हैं, पेवमेंट के ऊपर से, गलियों के बीच में से. यहाँ एक चीज़ मुझे काफ़ी पसंद आई, फ़िलहाल मैं जा तो नहीं पाया, मेरे सामने एक बहुत बड़ा पार्क है, दिख रहा होगा, बहुत बड़ा पार्क है. इनफैक्ट एयरपोर्ट से एकदम सेंट्रल होचिमिन डिस्ट्रिक्ट 1 आते हुए मुझे ऐसे करीब 4-5 पार्क दिख गए, जहाँ पे फाउंटेन्स लगे हुए हैं, जहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं और चलने के प्रॉपर ट्रैक्स बने हुए हैं. इनफैक्ट जिस हॉस्टल में मैं रुका हुआ हूँ, हाइड आउट हॉस्टल, उसके सामने भी इतना ही बड़ा एक पार्क है और मैंने देखा काफ़ी टूरिस्ट वहाँ पे आराम फरमा रहे थे. वियतनाम वॉर से जुड़े काफ़ी चीज़ें यहाँ पे हैं, कैमरास, टाइपराइटर्स, टैंक्स, मशीन गन्स, हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट्स, काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे, बहुत इंटरेस्टिंग जगह है. के काफ़ी बच्चे हैं यहाँ पे, मुझे दिख रहे हैं स्कूल ड्रेस पहने हुए. मुझे याद है हमारे बचपन में हमें रेलवे म्यूज़ियम या फिर ऐसे ही काफ़ी दिल्ली के जो फेमस म्यूज़ियम्स हैं वहाँ लेके जाए जाते थे, मगर ये म्यूज़ियम औरों से काफ़ी अलग है. एक देश जो दूसरे देश की वजह से पूरी तरह से बर्बाद हो गया. यहाँ पे कुछ ऐसी स्टोरीज़ हैं, जर्नलिस्ट्स की स्टोरीज़ हैं, US मिलिट्री के अपने ट्रूप्स की स्टोरीज़ है, बहुत हार्ट रेंचिंग है. आई एम श्योर यहाँ पे कोई भी आएगा आँखों में आंसू ज़रूर आ जाएंगे, क्योंकि कहानियाँ ही कुछ दिल दहलाने वाली है. वियतनाम में जो वॉर हुआ था वो विश्व के इतिहास में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक माना जाता है, क्योंकि केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा पैमाने में किया गया था. अमेरिकन ट्रूप्स ने बहुत ही बर्बरता से वियतनाम के लोगों के साथ बर्ताव किया था, जिनके निशान आज भी मौजूद हैं. इस वॉर म्यूज़ियम में घूमते घूमते मुझे ऐसे काफ़ी टूरिस्ट दिखे
अमेरिकन्स यूरोपियंस जो अपने आप को रोक ही नहीं पा रहे थे, यंगस्टर थे, कुछ एल्डरली सिटीजन्स भी थे जो लिटरली रो रहे थे, उनकी आँखों से आंसू गिर रहे थे यहाँ की तस्वीरों को देख के और यहाँ की कहानियों को पढ़ के। अब हम जा रहे हैं नोटरडाम कैथेड्रल जो साइगोन ये होचमिन सिटी का बहुत पुराना और बहुत ही मशहूर कैथेड्रल है। कहा जाता है कि यूरोप में जो नोटरडाम है जो असली है जिसके नाम से ये कैथेड्रल पड़ा है ये उससे भी बेहतर है। यहाँ के लोगों ने मुझे यही कहा है, अब जाके पता लगेगा कि कौन सा ज़्यादा बेहतर है। ट्रैफिक काफ़ी है, शाम का टाइम है। तो इस वक्त मैं हूँ नोटरडाम कैथेड्रल के सामने। बिल्कुल ये बहुत बड़ा स्क्वायर है और आई थिंक यहाँ पे काफ़ी ऑफिसेस हैं। अभी शाम के 5 बज रहे हैं और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे अलग अलग देशों से। अभी थोड़ी देर पहले मुझे फिर से काफ़ी इंडियंस दिख गए यहाँ पे। वियतनाम में इंडियंस बहुत कम दिखते हैं। पिछले 9 दिनों में मैंने शायद ही सिर्फ 6 या 7 इंडियंस देखे होंगे। तो ये जो जनाब है इन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया है कि नॉर्मल टूरिस्ट ऐसे नहीं जा सकते। जो वीकडे मास है वो रोज़ शाम को 5:30 बजे होती है और उसके लिए ये मुझे जाने देंगे। मैंने इनको पूछा कि क्या मैं जा सकता हूँ मास अटेंड करने, इन्होंने कहा जी ज़रूर आप जाइए मास अटेंड कीजिए। अगर आप नोटरडेम में जाए तो मन में थोड़ी श्रद्धा लेके जाए तभी आपको एंट्री मिलेगी। तो यहाँ पे मैंने मैप में देखा कि मुझे नेक्स्ट कहाँ जाना है, तो सेंट्रल पोस्ट ऑफिस बहुत फेमस है, बहुत पुराना है और एक आर्किटेक्चरल ब्यूटी एंड हेरिटेज है, तो वो मुझे देखना था। और इंटरेस्टिंग है कि ये बिल्कुल साथ में ही है, नोटरडाम कैथेड्रल के बिल्कुल साथ में है, तो मैं जाता हूँ उसकी तरफ। तो ये है हो ची मिन सिटी साइगोन का सेंट्रल पोस्ट ऑफिस। अंदर जाके देखते हैं कि कैसा है ये सेंट्रल पोस्ट ऑफिस। मुझे ऐसे पुराने बिल्डिंग से बहुत प्यार है, यहाँ से काम होता है, देश विदेश में डाक मतलब पोस्ट जाते हैं। यहाँ पे सुविनियर स्टैम्प्स है। मुझे याद है कि बचपन में स्टैम्प कलेक्ट करना मुझे बहुत पसंद था, तो जो इंटरनेशनल एयर मेल्स आते थे या फिर अगर डोमेस्टिक स्टैम्प लगे हुए ऑनवेलॉप्स भी आते थे मैं उनको कलेक्ट कर लेता था, फिर पानी से रात भर निकाल के धूप में सुखा के उसको एक डायरी में रख देता था। यहाँ पे जो है काफ़ी लोग सुवेनियर के तौर पे मेल भेज रहे हैं। आजकल चिट्ठी का इस्तेमाल तो लगभग उठ गया है, एटलीस्ट इंडिया में तो मैंने नहीं देखा है किसी को चिट्ठी लिखते हुए, मगर यहाँ पे टूरिस्ट्स हैं उनको यादें संजो के रखनी है ज़िंदगी भर के लिए। हेलो हेलो व्हाट आर यू
Taiwan. Taiwan. Are you sending this to your friends and family? Friends. Friends. So many? And wife. Oh, wow. Not so many. I could see there are a lot, more than 10. 20. 20? Actually. Wow. Yeah. What's your name? Song. Song. Are you a YouTuber? Yes. My name is Neil. Yeah. I'm from India. India? Yes. I have been there, in New Delhi. Oh, I live in New Delhi. Really? Yes. But it's when I'm 17. Now I'm 30. You're 30. I'm 30. Oh, 30. I'm turning 30 in December. Oh. Okay. Me too. So good to meet you. Yes. Yes. This? India. Australia. Yeah. Yeah. I buy it. I buy it there. Over there? Yep. Okay. Because it's the cheapest. So are you traveling in Vietnam all by yourself? Yes, because I will change my job next month. Mm-hmm. So now it's my vacation. Me too, but I'm here with two friends. Oh. But they're on their own, I'm on my own, so yes, yeah. Me too. Yes. See you. Good to see you. Yes. So यहाँ पे ये भाई साहब है, ये ताइवान से हैं और ये नई दिल्ली घूमने गए थे. बड़ा इंटरेस्टिंग है और यहाँ पे करीब 20 पोस्टकार्ड इन्होंने खरीदे हैं और ये भेज रहे हैं अपने दोस्तों को, अपने परिवार को यहाँ से. बड़ा अच्छा लगता है ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें और ऐसे ही कितने लोग टकरा जाते हैं आपसे. मैं तो खैर हर चीज़ इस GoPro से वीडियो नहीं कर पाता, मगर रोज़ मुझे इतने लोग मिलते हैं बस में, ट्रेन्स में, एयरप्लेन्स में, एयरपोर्ट पे, लाउंजेस में, हॉस्टल में. बहुत ही रोचक, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ होती हैं सबकी. कोई पता नहीं कितने सालों से ट्रैवल कर रहा है, कोई शॉर्ट टर्म ट्रैवलर है. ये जनाब जो है ये नौकरी चेंज कर रहे हैं और उसके लिए ट्रैवल कर रहे हैं. मैं ऐसे बहुत लोगों से मिल चुका हूँ, काफ़ी कपल्स हैं, पूरी पूरी फैमिलीज़ हैं जिन्होंने नौकरियाँ छोड़ दी हैं एक एक डेढ़ डेढ़ साल के लिए, और जितने भी सेविंग्स हैं उनकी अपनी पिछली नौकरी से, उस पैसे को लेके वो लोग पूरी दुनिया में निकल पड़े हैं ट्रैवल के लिए. तो ट्रैवल आई थिंक ये ज़िंदगी है, ये एक लाइफस्टाइल नहीं है बस. ट्रैवल का पैशन जिसमें है वही समझ सकता है, जैसे कि मैं समझ सकता हूँ. मेरे काफ़ी ऐसे जानकार हैं जो बिल्कुल ऐसी ही बातें करेंगे. ये एक्सपीरियंस बाकी चीज़ों से काफ़ी अलग था. मुझे लगा नहीं कि आजकल के ज़माने में भी इतना चहल पहल वाला कोई पोस्ट ऑफिस होगा. इसका मेंटेनेंस जो है बहुत अच्छी तरह से किया गया है. थैंक गॉड आज वेदर काफ़ी अच्छा है, मुझे बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही है. मैं काफ़ी देर से चल रहा हूँ और काफ़ी चल चुका मैं पिछले कई दिनों से. वियतनाम में मैं जहाँ भी गया इतनी गर्मी थी, सिर्फ होयान में बारिश की वजह से थोड़ी राहत थी. आज रात को शायद मैं होचीमिन डिस्ट्रिक्ट का जो फेमस एक सी फूड स्ट्रीट के नाम से मशहूर जगह है वहाँ जाऊँगा डिनर के लिए. लेट्स सी अगर मेरे फ्रेंड्स चलना चाहे तो, नहीं तो मैं अकेले निकल पड़ूँगा. कभी कभी किसी नए शहर के सड़कों में यूँ ही निकल पड़ना बहुत अच्छा लगता है. एटलीस्ट मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि कोई डेस्टिनेशन दिमाग में ना हो, फिर भी बस यूं ही ऐसे ही. वो कहते हैं ना, जहाँ ये दो आंखें ले जाए वहीं चलते चलो. ट्रैफिक काफ़ी तेज़ चलता है यहाँ पे और ट्रैफिक रूल्स का सब फॉलो करते हैं. यहाँ पे मैंने जितने लोगों को देखा है सब लोग रोड क्रॉस करते वक्त सिर्फ और सिर्फ ज़ीब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करते हैं. वो बहुत अच्छी बात है, हर जगह का जो रूल है वो फॉलो करना चाहिए. सड़कें तो बहुत अच्छी है यहाँ पे, एक गड्ढा नहीं मिला मुझे सड़क पे सिर्फ सापा के बगैर. खैर वो गांव का इलाका है तो शायद इसलिए, मगर यहाँ साइगोन होचीमिन सिटी की सड़कें जितना स्मूथ उतना ही साफ़ सुथरा. मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट ये देश का पॉलिटिकल सिस्टम है.
मैं अभी भी यहीं पे हूँ, करीब 2-2.5 घंटे हो चुके हैं। मैं शायद थोड़ी देर और नोटर डैम का जो ये कैथेड्रल है इसी के सामने गुजारूंगा। यहाँ पे लोग आ जा रहे हैं, बहुत लोगों से मेरी बातें हो रही हैं। एक जनाब जिनको मैंने शूट किया था थोड़ी देर पहले, वो ताइवान से, फिर मुझे हांगकांग से कुछ लोग मिल गए, पेरिस से कुछ लोग मिल गए, सबसे बातें होती हैं। अच्छा लगता है, लगता है कि पूरी दुनिया, सब लोग एक जैसे ही हैं, सब अच्छे हैं, किसी में कोई बुराई नहीं है। बस भाषा का फ़र्क है, खान पान, रहन सहन, पहनावे का, बाकी सबका मन एक जैसा होता है। और जो लोग घूमते हैं उनमें बहुत सी सिमिलैरिटीज़ होती हैं, एक ओपन माइंड होता है उनका, ज़्यादा कंजर्वेटिव नहीं होते जो लोग बहुत ज़्यादा घूमते हैं। इनफैक्ट कहा जाता है कि आप किसी भी स्कूल, किसी भी कॉलेज से कैसे भी शिक्षा प्राप्त कर ले, मगर अगर आप दुनिया नहीं घूमते हैं तो आपकी जानकारी जो है वो बहुत सीमित रहती है। सो ये जो छोटे जनाब है, इनका नाम है वीतंग, ये वियतनामीज़ लोकल है, ये मुझे अभी ये नोटर डैम के सामने मिल गए, तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरे पास कुछ सवाल है, क्या आप उनका जवाब देंगे। मैंने कहा जी ज़रूर। तो ये मेजर कर रहे हैं, आई थिंक कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हैं टूरिज़्म में, और सर्वे कर रहे हैं कि वियतनाम में जो टूरिस्ट आते हैं वो कहाँ कहाँ गए और क्या क्या किया, कितने दिन के लिए आए, इनको वियतनाम क्या पसंद आया। तो मैंने उनको सब बताया, और इनकी अंग्रेज़ी थोड़ी तंग है तो ये इंग्लिश क्लासेस ले रहे हैं इम्प्रूव करने के लिए। तो काफ़ी मशक्क़त की इन्होंने मुझसे जानने में, मेरे बारे में, मेरी पहचान, मेरे देश के बारे में। और तो ऐसे ही कुछ लोग ये बताएंगे आपको एग्जैक्टली ये क्या कर रहे हैं। Why don't you say about this? Yes, I can say about yourself, name, where you from, what is your nationality and age, and job, or do you like Vietnam, and about your thing in Vietnam. And you want to travel the world? Yeah. I don't know, sorry. You said you want to travel the world. Yes, I want to travel the world in the future. Yes. Yes. My major in tourism. So good. Good luck. Yes. Good luck. I wish you all the best. Yes. Very nice to meet you. And very nice to meet you. Yes. Thank you. Goodbye. So, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हो गई। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ होगा। एंड पहले इन्होंने जब मुझे अप्रोच किया तो मुझे लगा कि कुछ बेचना चाहते हैं। इनकी इतनी सादगी से मेरे साथ पेश आए और मैं काफ़ी देर तक इनसे बातें कर रहा था। फिर मैंने फाइनली कहा कि क्या आप मेरे वीडियो में आना चाहेंगे, मैं एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इन्होंने कहा अपने बारे में और बाकी तो वीडियो ने कैप्चर कर लिया। So it won't take 5 minutes. Oh, sure, why not? Yeah, it's just another group. Okay.